Hi, Sanchit. Hi, Sanchit. Hi, Mitali. Hello. How are you doing? We are good. How is it going? कैसा चल रहा है एग्जीबिशन में? अच्छा, काफी अच्छा. काफी अच्छा. कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग अप्लायंसेज हैं, जैसे आपके घर में लाइट, फैन, एसी, जितने भी आपके अप्लायंसेज हैं, वो सारे अप्लायंसेज आपके स्मार्ट हो जाएंगे. अब स्मार्ट होने का मतलब ये है कि आप रिमोटली कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में ही आप सारी कंट्रोलिंग कर सकते हो. अच्छा, ये नहीं है कि आपको नया कोई आपको लेना पड़ेगा या कोई वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है. कन्वेंशनली भी ऑटोमेशन हुआ करती थी, वो वायर्ड ऑटोमेशन हुआ करती थी एंड क्वाइट एक्सपेंसिव हुआ करती थी. अच्छा, बट अब जो जैसे एरा चेंज हुआ या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सो अब ये वायरलेस ऑटोमेशन आ गई है, जो कि बेसिकली IoT बेस्ड ऑटोमेशन होती है. अच्छा. इसमें क्या रहता है कि हमारे डिवाइसेज हैं काफी, हमारे पास 120 प्लस डिवाइसेज का SKU है. सो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट नीड या डिपेंडिंग अपॉन साइट रिक्वायरमेंट, हम उनको प्रॉपर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं एंड उसके हिसाब से उनकी ऑटोमेशन हो जाती है. ओके. एंड जो बेसिकली जो वायर्ड में हुआ करता था, वही सेम वायरलेस में ही बिल्कुल सेम हमारा कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल. एंड सब कुछ वाईफाई पे आपका ऑपरेट होगा. राइट. इनफैक्ट मैंने जो मुझे इसके बेनिफिट्स लगते हैं, मतलब अगर टिप्स में देखें तो एक तो पावर सेविंग, मतलब इन अ वे इट हेल्प्स यू टू सेव योर मनी. यूजर फ्रेंडली, यू डोंट हैव टू गेट अप एवरी नाउ एंड देन, यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. राइट. सेकंड इज दे लुक स्मार्ट, एस्थेटिकली करेक्ट. एंड बिसाइड्स योर लाइफ हैज बिकम मोर सिंपल. पूरा आप अगर प्लानिंग कर देते हैं, ऑटोमेशन मोड पर डाल देते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी लाइट कब टर्न ऑन होनी है, कब टर्न ऑफ होनी है. राइट. ये सब भी है. ओके. अब मिताली आपसे पूछ रहे थे कि आप क्योंकि लोगों से डील कर रहे हैं, राइट, यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल, एंड देयर हाउ इज देयर रिएक्शन टू द ऑटोमेशन? डू दे साउंड अवेयर और स्टिल आर दे इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन? एक्चुअली आई बिलीव पीपल आर एक्चुअली वेरी मच अवेयर अबाउट ऑटोमेशन. जैसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगो, 80-85% लोगों को ऑलरेडी पता होती है चीजें. मैं करता हूँ मोटराइज कर्टन से. सो एज इन बेसिक मोटराइज कर्टन, ये इस टाइप से इसका ऑपरेशन रहता है. अच्छा. ये 100 kg वेट कैपेसिटी की मोटर है. इसमें आपको तीन टाइप्स की मोटर मिलती है. एक आती है रिमोट ओनली, एक आती है रिमोट प्लस ऑटोमेशन, एक आती है ऑटोमेशन ओनली. सो जनरली हम रिमोट प्लस ऑटोमेशन ही प्रेफर करते हैं. अब मैं आपको PDLC फिल्म दिखाने जा रहा हूँ. ये बेसिकली स्मार्ट स्विचेबल फिल्म है. ये इस टाइप से आप ग्लास को ट्रांसपेरेंट टू ओपेक कर सकते हो विद इन सेकेंड्स. ये बेसिकली आपका रेजिडेंशियल में यूज होता है, कमर्शियल में यूज होता है, वार्म वाइट, वाइट एंड नॉर्मल नेचुरल वाइट जो रहता है. एंड इसके साथ हमारे ड्राइवर्स हैं जो बेसिकली CCT ड्राइवर्स होते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्विच बोर्ड्स को लेके. कन्वेंशनल टिकटॉक स्विच बोर्ड से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए है और हम भी अपने घर में चाहेंगे कि आप वो लगा दें. बिल्कुल. अभी तो हमने ग्लास के स्विच बोर्ड्स लगाए, वो ऑफ कोर्स लिटिल बेटर है, लेकिन अब जो स्मार्ट है, हाँ, जिन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, वो हम अभी देखेंगे. हाँ जी. सो ये जो है, ये हमारे स्मार्ट टच पैनल्स है. जैसे आपके घर में पहले नॉर्मल कन्वेंशन स्विचेस लगते थे. कन्वेंशन स्विचेस में क्या होता था कि आपको पता नहीं चलता था कि कौन सा लाइट है, कौन सा फैन है या कौन सा AC है, ऐसा आपको कुछ पता नहीं चलता था. आधी जिंदगी तो हमारी स्ट्रगल में चली जाती थी. हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं. तो इसलिए हमने सोचा और हमने ये बता दिया कि हाँ जी, ये आप स्विच बोर्ड्स में आप यूज कर सकते हैं. मतलब ये बहुत बड़ा फीचर है. अगर आप देखें ना संचित, ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स. ऑफकोर्स बहुत सारे फीचर्स और भी है, लेकिन अभी आज भी मैं अपने रूम में स्ट्रगल करता हूँ. मुझे मालूम नहीं कौन सी लाइट किससे ऑन होगी. अभी हमने नया घर लिया है इसलिए ना. हाँ, नहीं हमें आप लेट से बता रहे हैं, नहीं तो हाँ, पहले लगवा लेते. सही बात है. ओके. तो वो जो आपकी परेशानी है, जो आपका इरिटेशन है, वो बचेगा पहला. वो बचेगा पहला. दूसरा, ये स्मार्ट टच स्विचेज है. अब फर्स्ट इसमें ये रहता है कि जैसे कोई ओल्ड एज सिटीजन है, ओल्ड एज में हम ये बोलते हैं जनरली कि यार वो रिमोट उठने में थोड़ी दिक्कत होती ही होती है उनको, बट मोबाइल भी नहीं चलाना आता. चलो ठीक है, मोबाइल भी नहीं आता, मैं मान रहा हूँ मोबाइल भी नहीं आता, बट रिमोट में तो वो आराम से चला सकते हैं. जैसे आप देख सकते हो, ये मैं स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप से आप स्विचेस जो है ये ऑन ऑफ कर सकते हो इसके. अच्छा. हाँ जी. सो ये एक फीचर रहता है, ये आपका रिमोट एनेबल्ड का फीचर रहता है इसके साथ. प्लस आपको एक फेदर टच मिलता है, ये आप देख सकते हैं. मैनुअल भी कर सकते हैं मतलब. हाँ, मैनुअली तो आपका हमेशा चलेगा, प्लस रिमोट से भी चलेगा, प्लस मोबाइल ऐप से. मोबाइल ऐप में आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो. बिल्कुल. कि आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि मेरे पूरा घर में आपने जैसे टच पैनल्स लगवा लिए या फिर ऑटोमेशन करवा ली, तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी लाइट मेरी ऑन है, कौन सी लाइट मेरी ऑफ है. बिल्कुल. या ये लाइट ऑन है तो क्यों ऑन है, तो मतलब जो भी आपके XYZ रीजन है, आप उसमें भी सारी चीजें कर सकते हैं. एंड उसके बाद
इसमें हमारे पास एक और फीचर आता है कि ये जो है ना, ये सर्विस फ्रेंडली टच पैनल्स हैं। अब सर्विस फ्रेंडली कैसे हैं कि एक तो ये कंपनी ड्रिवन नहीं है कि अगर मैं इसके ऊपर पीछे केसिंग लगा देता, जैसे हमारे पास पीछे बैक पैनल रहता है, तो अगर मैं बैक पैनल लगा देता, इन एनी केस कोई इशू आता, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमने सब कुछ डिटैचेबल सिस्टम कर दिया। अच्छा, डिटैचेबल में मतलब आपको कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी। कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी। जैसे अगर आप किसी को कॉल भी करेंगे कंपनी में कि हाँ यार कोई मेरे को इशू आ गया, सर्विस रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कंपनी में कॉल करेंगे तो कंपनी वाले आराम से ट्रबल शूट कर सकते हैं, या आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से भी ट्रबल शूटिंग करवा सकते हैं। और इन एनी केस अगर आप फ्रेंडली हो स्विच बोर्ड्स के साथ या वायर्स के साथ, तो आप भी खुद भी इसके साथ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये यूएसबी टाइप के कनेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एंड इस टाइप से ये सारे ऑपरेशनल होते हैं। तो हम पूरी प्लेट नहीं मंगवाते कभी भी। अच्छा। जैसे इन एनी केस कोई सर्विस आ जाती है, कॉल आ जाती है, तो हम जैसे अगर हमने टच ये मंगवा लिया, पावर सप्लाईज मंगवा ली, तो पावर सप्लाईज के थ्रू ही सारा काम हो जाता है। अदरवाइज जैसे कई घरों में जैसे हमारे 100-200 प्लेट्स लग रही है, हम काफी बिलास करते हैं, तो हम उनको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दे देते हैं। अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देने का मतलब ये है कि इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी तो आप इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं। सो इसको हमने काफी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये बैक पैनल है, इसके आगे फ्रंट पैनल है, ये पावर सप्लाई है, एंड ये एक इसके अंदर ईएसपी मॉड्यूल और रहता है जो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। तो सब कुछ हमने सेग्रीगेट कर दिया इसमें। ओके। तो अलग अलग इसके वर्जन आपने बताए, एक तो टच पैनल आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें, सब जैसा सिंपलेस्ट वे। दूसरा होता है आप रिमोट के थ्रू इस्तेमाल करें, थर्ड होता है कि आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट करें, टच कमांड आपने बता दिया, और आप ये एडवांस, सारे के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको कोई हब की रिक्वायरमेंट है या कुछ है, ये सिंपल है कि आपने जैसी इनको पावर दी या न्यूट्रल फेस कनेक्शन दिया, तो ये डायरेक्ट आपके वाईफाई के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। एंड एक बार ही आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्फिगर करना होगा, एक बार ही कॉन्फिगर करना होगा बस। ओके। उसके लिए हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसके बाद हमारे पास टोल फ्री नंबर है, आप कहीं पे भी कैसे भी हमें अप्रोच करके और ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। चलिए, बहुत आसान है। ओके। एक चीज आपने लास्ट टाइम बताया था, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लग रहे हैं टच पैनल्स, वो बड़े अच्छे हैं जिसमें डीएनडी और डिस्प्ले वगैरह होते हैं, राइट? उसमें कोई किसी और तरह का फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बाहर आपको डीएनडी करना है, लॉन्ड्री करना है, रूम सर्विस करना है, हाउसकीपिंग करना है, तो आप उसको टच कर दिए, वो सिर्फ लाइट ऑन करेगा, बाकी उसका कोई और फंक्शन और कोई फंक्शन नहीं है, वो होटल पर्पसेस के लिए रहता है। ये कैसा रिस्पांस आ रहा है होटल से उसका? काफी अच्छा रिस्पांस है। हमारे पास होटल्स वाले काफी अप्रोच कर रहे हैं कि आपका ये हमने प्लेट देखी है, और इनफैक्ट कई एग्जिस्टिंग होटल्स भी थे, तो जैसे मसूरी में एक एग्जिस्टिंग होटल था, इसी वीडियो को देख के उन्होंने सारा मतलब पूरे अपने रूम, उनके 19 रूम थे, उन्हें 19 के 19 रूम्स में पूरा चेंज करवा दिया है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ना ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसको और भी कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? जैसे आप कोई भी नोटिस आप छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप उसको ऑफ एंड ऑन करके छोड़ सकते हैं ऊपर की, राइट? ऑक्यूपाइड, सोल्ड, क्लोज, रेस्टोरेंट के बाहर आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट इज क्लोज और ओपन, राइट? राइट, दिस कैन बी डन। आई डोंट नो, मे बी आई एम थिंकिंग आउटलैंडिशली, थोड़ा मेरा दूर की सोच चल रही है, राइट? जैसे लिखा होता है ना, लोग टर्न कर जाते हैं क्लोज एंड ओपन, तो आप अपने पैनल को टच करके चले जाइए ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और कुछ। प्लस हमारे पास टच स्विचेस में डिमर का फीचर भी है, जैसे ये 4-चैनल डिमर है, तो इसमें आप 4 अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप डिम कर सकते हो। अच्छा। जैसे एक चैनल में आपने मान लो आप 150 वॉट तक लोड दे सकते हो, तो 150 वॉट तक आप आराम से डिम कर सकते हो। अच्छा। जिनको जैसे डिमिंग का रहता है कि मेरे को डिमिंग करनी है। प्लस मैं आपको अब मॉडल्स के बारे में समझा देता हूँ। ये हमारा बेसिक मॉडल है। सो इसमें क्या है कि बेसिकली आप देख सकते हैं, ना कोई फ्रेम है, ना कोई बेजल है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा कन्वेंशनल मॉडल है। उसके बाद अगर थोड़ा हम अपग्रेडेड मॉडल की बात करें, तो इसमें आपका फ्रेम और बेजल ये दोनों आ गई है। अच्छा। मतलब आगे के फ्रेम भी आ गया कि इस टाइप से आप फ्रेम भी कर सकते हैं, थोड़ा और अपग्रेडेड करना है तो आप देख सकते हो इसमें सिंबल्स भी अलग अलग हैं, जैसे ये एसी का है, लाइट का है, फैन का है, इस टाइप से आपके सिंबल्स भी आ गए। अब एक्रेलिक इसमें जनरली क्या रहता है, मैट फिनिशिंग रहता है, अगर मैं इसका मैट रिमूव करूंगा तो आपको इस टाइप से फिनिशिंग दिखेगी। अच्छा। सेम फिनिशिंग इस टाइप से आपकी रहेगी। एंड इसके बाद आपको और अपग्रेडेड चाहिए तो ये आपकी ग्लास की प्लेट्स आ गई। अच्छा। ग्लास विद ये सबसे अल्ट्रा लग्जरी। हाँ, सबसे अल्ट्रा लग्जरी। और लास्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहती है वो ये रहती है कि ये आरजीबी मॉड्यूल्स जो आप देख सकते हैं, जो कलर है ये बिल्कुल ही चेंज कर रहा है। इनिशियली हमारे पास व्हाइट और ब्लू कलर में आता है कि जब आपके ऑफ होती है लाइट तो व्हाइट जलती है, जब ऑन होती है तो ब्लू होता है। अच्छा। बट इसमें क्या है, इसमें आपको कोई भी आपका कलर
मनपसंद है या आपको कभी चेंज करना है तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। प्लस आप इसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि हाँ भाई जैसे अब मैं इस स्विच बोर्ड नॉर्मल है, अब मैं इसके आगे लेके आऊंगा तो एम्ब्रियो लाइटिंग बोलते हैं इसको जनरली, तो आपकी लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके सो ये सारे ऑप्शंस भी इसके साथ रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डोर बेल है। हाँ ये डोर बेल है, ये डोर बेल है बेसिकली, ये आप अपने बाहर लगा जी बताइए। सो ये हमारे पास गैंग स्विचेस भी आते हैं, ये बेसिकली मॉडुलर स्विचेस हैं, ये आपके रोमा फिटिंग में आ जाते हैं। रोमा फिटिंग जनरली क्या होता है, 90% हाउस होल्ड में रोमा फिटिंग ही जनरली यूज होती है। इसमें हमारे पास चार मॉडल्स आते हैं, 4 स्विच, 2 स्विच, फैन रेगुलेटर एंड AC HD का। सो इसमें आपको 4 स्विच जो है इस पैटर्न में मिलता है, 2 स्विच जो है इस पैटर्न में मिलता है एंड ये 2 मॉड्यूल स्पेस में यूज होता है। 2 मॉड्यूल का मतलब ये है कि आप अपने 2 स्विचेस हटाओ और इसको लगा लो आप। अच्छा, और इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर अवेलेबल आते हैं। ओके डन। और ये बाकी पैनल कैसे, ये जो अभी हमने देखे थे वही वही है, सेम ही है, बस इसमें डिजाइन और कस्टमाइजेशन अलग अलग। अच्छा, जो हमने ग्लास शील्ड्स के जो स्विच देखे थे उनमें हमारे पास कलर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? ब्लैक व्हाइट और ग्रे कलर अवेलेबल। ओके, ये कॉमन कलर्स हैं, ये कॉमन कलर। ओके, और अगर आपको कोई, अगर आपका कोई ह्यूज ऑर्डर है कि आपको मतलब पूरे घर में ऑर्डर कराना है तो हमारे पास एक्रेलिक की जनरली शीट्स रहती हैं, तो आपको कोई भी कलर कराना है वो हम कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग कि आपका जो ऑर्डर साइज है वो बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये सारे क्या स्विच बोर्ड्स हैं? ये होटल के, ये जनरली होटल्स के लिए यूज होते हैं, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे। अब जैसे ये D&D है, ये आपका इंडोर हो गया, ये आपका आउटडोर पैनल हो गया। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे इसको हाउसकीपिंग में करता हूँ तो ये हाउसकीपिंग आ गया। अच्छा, इसको मैं D&D में करता हूँ, डोर खोल करने की जरूरत नहीं, अंदर से आप प्रॉपर्टी, अंदर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें हम कितने आइकन्स दे सकते हैं? आपको कोई भी आइकन चाहिए आप आइकन तो ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ जी डन। और ये उसका एक मैट फिनिश में, ये उसका हाँ, ये में ये जो है ये ग्लास फिनिशिंग में है, ये एक्रेलिक विद बेजल फिनिशिंग में। ओके डन, चलिए। एंड ये जो है ये की टैग रहता है एनर्जी सेवर, अगर आपको ये भी ऑपरेट करना है तो इस टाइप से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं की टैग लगा के। ओके, नॉर्मल स्विच बोर्ड है जैसे आपके होटल में आपने लगवा लिया हमारे टच पैनल्स, तो आपने 4 स्विच 1 फैन 1 सॉकेट लगाया, उसके साथ एक पावर की टैग लगा दिया इसके साथ, तो ये भी आप होटल्स में यूज कर सकते हैं। और ये क्या है संचय? सो ये बेसिकली मोशन सेंसर्स हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ मोशन सेंसर है एंड ये 180 डिग्री काम करता है, एंड उसके बाद ये माइक्रोवेव मोशन सेंसर है। अच्छा, ये PIR है, तो हमारे पास डिफरेंट मोशन सेंसर हैं, एंड ये जो है ये बल्ब होल्डर है, जैसे आप आपने नॉर्मल बल्ब लगा दिया और ये मोशन सेंसर इसमें इनबिल्ट है। ये वार्डरोब सेंसर है, जैसे आप वार्डरोब खोलते हैं तो आपकी एकदम से लाइट जल जाए, ऑन हो जाए। अच्छा, तो ये वार्डरोब सेंसर है। ओके, ये जो मॉडलर वार्डरोब्स में लगता है, वो मॉडलर वार्डरोब्स में लगता है या किचन्स में लगता है, तो ये इस टाइप से इसका ऑपरेशन रहता है। तो ये डिजिटल डोर लॉक्स है, इसमें आपको जैसे एक आता है हमारे पास विदाउट फिंगरप्रिंट, एक आता है विद फिंगरप्रिंट। विद फिंगरप्रिंट में आपको ग्लास फिनिशिंग मिलेगी इस टाइप से, एंड ये आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहेगा, ये आपके बाहर की तरफ लगेगा एंड ये आपका अंदर घर के अंदर लगेगा। एंड इसमें आपका सेल मोड ऑफ सेल रहता है, इसमें 4 सेल डालो और आराम से ड्यूरो सेल लगाओगे तो आराम से 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा आपका सेल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ये विदाउट फिंगरप्रिंट है, ये बेसिकली मेटालिक फिनिशिंग में, काफी सॉलिड लॉक है आप देख सकते हो, एंड इसमें क्या है बस फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। okay. इसमें कि आप RFID कार्ड यूज कर सकते हो, उसके बाद कीपैड यूज कर सकते हो, एंड इसमें मैकेनिकल की का सारा ऑप्शन रहता ही हमेशा, ये सब में होता है। हाँ, इन एनी केस कोई भी आपकी काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो आपके अंदर लगा होगा, आप हो गए घर के बाहर तो आप कैसे यूज कर सकते हो, तो ये आपके पास मैनुअल कीज रहती है। ओके, ये एक डिजिटल डोर लॉक का फीचर रहता है। राइट, ये मेरे घर में भी लगाया हुआ है, आपके आपने लगवाया था। हाँ, तो हम भी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम एक मैनुअल कीज जब सारे बाहर होते हैं तो एक लेके जाते हैं, क्योंकि नेवर नो कभी बैटरी खत्म हो जाती है। नहीं, उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है। अच्छा, कि आपके पास एक एंड्रॉइड का चार्जर हो, जैसे आप देख सकते हो इसमें USB पॉइंट रहता है। अच्छा, तो आप एंड्रॉइड का चार्जर भी प्लग इन करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बाहर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लेके नहीं गए तो आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए ठीक है, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और बहुत मजा आया। ऑल वे वी हैव स्पोकन अबाउट दिस, इसका हल्का सा ब्रीफिंग और दे दे हमारे। हाँ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप में हमारे सिंबल्स हैं, एंड काफी थोड़े इसमें स्पेसिंग भी ज्यादा है, एंड इसमें आप सिंबल्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये RGB पैनल है। ओके, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक फिनिशिंग में, ग्लास फिनिशिंग में है,
विद बेजल एंड उसके बाद आप सारी चीजें इससे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे राइट दिस एक्चुअली ये ज्यादा मुझे लगता है यूजर फ्रेंडली है क्योंकि आइकन साइज बड़ा है। राइट राइट तो आपको स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है। स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ता है। ये जो है ये हमारे कन्वेंशन जो मैंने आपको दिखाए थे इसमें आपको सारे मॉडल्स मिलेंगे बट ये हमने प्रीमियम सेगमेंट में रखने के लिए ये ओनली हमारे ग्लास फिनिशिंग में ही अवेलेबल है। फिर ये हमारे ये फिक्स मॉडल्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं। ये इस टाइप से हैं फिक्स मॉडल्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट है अगर ऑन होगी तो आपको इस टाइप से आपको ऑन दिखेगा, अदरवाइज ऑफ होगी तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा। ओके एंड इसमें एक और एड ऑन फीचर है कि इसमें आयर ब्लास्टर इंटीग्रेटेड एंड ये मैग्नेटिक टच पैनल है। इसमें ये मैग्नेट की फ्रेम्स रहती हैं एंड इसको आप जैसे मर्जी चाहे वैसे आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके सो इसमें हमारे पास फिक्स मॉडल्स हैं जैसे ये 10 स्विच 1 सॉकेट हो गया, 4 स्विच 1 फैन हो गया, 8 स्विच 1 सॉकेट हो गया। सो इस टाइप से हमारे पास इसमें फिक्स मॉडल्स हैं और इसमें सब में आयर ब्लास्टर इंटीग्रेटेड ही है। ऑलराइट तो इसका ये जितने भी हमने टेक्नोलॉजी भी आज देखी आपके पास, जो लोग बाहर रहते हैं दिल्ली एनसीआर के बाहर रहते हैं उनको उनके साइज उनकी कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक एलिवेशन का कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो आप कैसे करते हैं टेंट? सो उसके लिए बहुत सिंपल रहता है कि जैसे अगर आप कन्वेंशन घर में रह रहे हैं आप किसी में तो आपको पता है इसमें आपको जो यूजेज है कि आपको 6 स्विच और 1 फैन की यूजेज है तो हमें आपको बताना है 6 स्विच 1 फैन है और उसके बाद दूसरी चीज बतानी है कि आपके बॉक्स का साइज क्या है। अच्छा बॉक्स का साइज भी स्टैंडर्ड चलता है जैसे 2, 4, 6, 8, 12 इस टाइप से हमारे बॉक्स का जो है वो साइज स्टैंडर्ड चलता है। तो हमें आपको बॉक्स का साइज बताना है एंड बॉक्स के साइज के साथ साथ आपको ये बताना है कि आपको कितने स्विचेस चाहिए, कितने फैन चाहिए और कितने सॉकेट चाहिए। सो अगर आप ये चीज हमें क्लियर कर देंगे तो आपका सारी चीजें हम आपको स्विच प्लेट डिजाइन करके दे देंगे। अदरवाइज अगर आप जो हमारे पास फिक्स मॉडल्स हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं कि आप जैसे 8 मॉड्यूल का बॉक्स है 9x3 का तो अगर आपका 8 मॉड्यूल का बॉक्स है इसमें आपको 10 स्विच 1 सॉकेट मिल रहे हैं, अगर आपका ये फंक्शनिंग कर रहा है तो आप ये भी फंक्शनिंग कर सकते हैं। ओके और बल्क बाइंग बल्क ऑर्डर्स के लिए तो आप अपना विजिट भी कराते हैं लोगों से क्योंकि आपने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले से भी किए हैं जहां पे आपका टेक्नीशियन जाके खुद अंडरस्टैंड करते हैं पूरी टेक्नोलॉजी। स्पेशली जो इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं बड़े बंगलोज होते हैं या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो आप विजिट भी कराते हैं। उनके लिए हम जैसे ये हमारे पास डेमो बॉक्सेज रहते हैं ये रेडी डेमो बॉक्सेज हैं एंड ये पोर्टेबल रहते हैं सो इसके थ्रू हम क्लाइंट को पूरा गाइड कर देते हैं कि ये आपका स्विच प्लेट की लुक एंड फील है, ये ऐसे आपका मोबाइल ऐप से ऑपरेट होगा। सो हम पूरा गाइड करके जाते हैं क्लाइंट। ओके हाँ जी चलिए ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हमने ये वीडियो में कैप्चर की थी ऑल दी सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया राइट? या पैन स्मॉल अपार्टमेंट लार्ज अपार्टमेंट इंडिपेंडेंस हाउस होटल जिम क्लब स्पास एवरीवेयर एवरीवेयर एंड वेरी फ्रेंडली कंपेयर टू द टिकटॉक स्विचेस आई थिंक द मोर फ्रेंडली इलेक्ट्रोक्यूशन के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। दे आर मोर सेफ राइट? डू यू एग्री टू दिस? यस यस जो पहले होता था कि करंट लग जाता था लोगों को है ना वो एक और एड ऑन फीचर जो करंट से आपने याद दिलाया वो ये फीचर है कि इसमें आगे डीसी सप्लाई है। अच्छा एसी सप्लाई आपके अंदर ही खत्म हो जाती है जो आपके पावर रहता है तो ये कभी आपके बर्न्ड नहीं होंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि स्विचेस जो है वो ब्लैक हो जाते हैं जो नॉर्मल स्विचेस है ये कभी आपके ब्लैक नहीं होंगे और आपको कभी करंट नहीं लगेगा। आप अपने मतलब किड्स को फ्रीली छोड़ सकते हो कि हाँ भाई कई बार होता है ना कि जैसे वो अंदर वो दे देते हैं उंगली देने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा मेटल या कंडक्टर डाल देते हैं अंदर मटेरियल ऐसे डाल देते हैं कुछ भी डाल देते हैं शैतानी करते हैं एक्चुअली। हां हां जी ये पॉइंट हमने पहले वीडियोस में कभी नहीं किए कि इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं है, किड्स सेफ है, किड्स सेफ है, पेट्स का सेफ्टी है इसमें। हां पेट्स का सेफ्टी है, फायर का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है, जीरो जीरो है ना ये बिल्कुल। आई थिंक वी शुड हाईलाइट दीस थिंग्स या चलिए थैंक यू वेरी मच प्लेजर मीटिंग यू Thank Wish you a lot of luck and once again thank you very much for inviting us. Yeah. Take care. Thank you.